नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज का अपना सेशन है वो है गर्भावस्था की तीसरी तिमाही। तीसरी तिमाही का मतलब सातवां, आठवां, नौवां महीना। ये जो तीसरी तिमाही होती है, एक गर्भवती महिला के लिए सबसे सुरक्षित तिमाही होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि आपका बच्चे के सारे ऑर्गन पूरी तरह से बन गए होते हैं, यानी कि पाँचवें छठवें महीने तक पूरी तरह से बच्चा डेवलप हो जाता है। उसके अंदर की जो चीज़ें हैं, जैसे माइंड से रिलेटेड होती हैं, हार्ट से, यानी किसी भी तरह की कोई अंदर की जो चीज़ें होती हैं, वो सारी बन चुकी होती हैं, उनके ऑर्गन सारे बन चुके होते हैं। अब वो सातवें, आठवें, नौवें महीने में क्या करता है कि अपना वजन बढ़ता है उस बच्चे का। बाहर के तापमान में ढलने के लिए वो अपने ऊपर चर्बी लेता है, और इसके साथ साथ आपको भी ये जो महीना है, ये 3 महीने हैं, वो सबसे सुरक्षित महसूस होते हैं। ये जो मेरा जो सेशन है वो आप तभी करें जब आप पूरी तरह से स्टेबल है, आपकी प्रेगनेंसी किसी भी प्रकार से हाई रिस्क नहीं है। यदि हाई रिस्क है तो आप इस वीडियो को फॉलो। अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसी आसपास में कोई गर्भवती महिलाएं हैं तो जिनके पास आप मेरा वीडियो शेयर जरूर करें। शुरू करने से पहले अपन क्या करते हैं, एक अच्छी थॉट के साथ शुरू करेंगे। तो इससे पहले अपन एक मंत्र का जाप करेंगे। अपने नमस्ते की पोज में होंगे, जो अपन ओम की मुद्रा में होते हैं उसी तरीके से, और आंखें बंद करेंगे और मेरे साथ साथ में आप एक मंत्र का जाप करेंगे। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। इसके पश्चात अपन क्या करेंगे, एक हाथ अपना छाती के ऊपर रखेंगे इस तरीके से, दूसरा हाथ अपना पेडू के ऊपर रखेंगे, और 5 बार आपको लंबी लंबी सांसें लेनी है इस तरीके से। इसके पश्चात अपन नेक का रोटेट करेंगे, साइड स्ट्रेचिंग करेंगे, अपनी बॉडी की मतलब पूरी तरह से स्ट्रेचिंग करेंगे। ये जो अपना योगा है या प्राणायाम है, जो भी अपन प्रेगनेंसी के दौर में करते हैं, ये किसी भी प्रकार से आपको वजन कम करने के लिए या स्टेमिना बढ़ाने के लिए नहीं है। ये आपको लेबर पेन से रिलीफ, यानी कि लेबर पेन से फाइट करने के लिए, आपकी मसल्स को लचीला बनाने के लिए, और कम्प्लीटली आपको प्रेगनेंसी में जो क्रैम्पिंग होती है, स्वेलिंग होती है, ऐसी समस्याओं से दूर करने के लिए किया जाता है। तो ये चीज़ तो आप माइंड में बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं इस टाइम पे फिट रहूं या मेरा कोई स्टेमिना बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके बच्चे को और आपके लिए सुरक्षित और स्वस्थ महसूस हो, इसके लिए किया जाता है, जिससे आपको पूरे दिन आपको ताजगी महसूस हो। किसी भी तरह की ये जो आलस होता है वो आलस नहीं होना चाहिए। नेक का रोटेट करेंगे, सांस लेते लेते ऊपर करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे, फिर साइड में सांस, लेफ्ट साइड में सांस लेते हुए करेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में जाएंगे। इनहेल करें, अच्छा सांस बाहर निकालें, लेफ्ट साइड में करेंगे अपन सांस लेते हुए, फिर राइट साइड में सांस छोड़ते हुए।
मैं आपको 2 या 3 बार ही बताऊंगी, लेकिन आपको 5 5 बार करने, क्योंकि अपनी वीडियो की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए आपको कैसे करना है वो मैं बताऊंगी, लेकिन कितनी कितनी बार करना वो आपको खुद करना है वो भी मैं बताऊंगी। उसके बाद आपको साइड रोटेट, अब आपको साइड स्ट्रेचिंग करनी है इस तरीके से, ऐसे हाथ लेंगे, सांस भरते हुए ऊपर करेंगे, सांस 5 काउंट करेंगे, वहाँ तक 5 गिनेंगे, वहाँ तक हाथ को होल्ड रखेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। ये हाथ आपको साइड में रखना है, हाथ को देखेंगे, 5 गिनेंगे, वहाँ तक होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। आपको 2 या 3 बार जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करें। दूसरी साइड में करेंगे ऐसे ही, इस तरीके से हाथ रखें, इस तरीके से ऊपर लेके जाएं, सांस भरते हुए पांच गिने वहां तक रोकें, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। अब आपको शोल्डर रोटेशन करना है इस तरीके से, 5 5 बार करना है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों साइड। सांस भरते हुए पीछे की साइड लेके जाएं, सांस छोड़ते हुए आगे की साइड। सांसों का योगा में बहुत बड़ा रोल होता है, कहीं पे भी सांस आपको रोकना नहीं है। अब आपको ऊपर स्ट्रेचिंग करेंगे, फिर साइड भी करेंगे, फिर इस साइड भी करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लें, बिल्कुल आगे लाएं, फिर सांस भरते हुए ऊपर लें, फिंगर को इंटरलॉक करें, सीधा करें, 5 गिने वहां तक रोकें, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आए। इसी तरीके से सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, अंगुलियों को इंटरलॉक करेंगे, फिंगर्स को इस साइड स्ट्रेचिंग करेंगे, सांस छोड़ेंगे, इस तरीके से लेके आएंगे। वापस आपको सांस भरते हुए ऊपर करेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, दूसरी साइड में करेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे करेंगे। यदि आप नीचे नहीं बैठ सकते तो अपने सपोर्ट के लिए, ये मैं पहले के प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आप सपोर्ट के लिए नीचे कुछ भी दे सकते हैं। अब आपको क्या करना, जैसे अपने कंधे और ये जो ऊपर अपर पार्ट होता है इसकी स्ट्रेचिंग अच्छे से हो गई, तो आपको क्या करना, सांस भरते हुए इस तरीके से आपको हाथों को लपेटेंगे और इस तरीके से करेंगे, 5 गिनेंगे, वहां तक रोकेंगे, सांस छोड़ते हुए ऐसे करेंगे। अब दूसरा हाथ आपको यू करना, पहले लेफ्ट से किया था, अब राइट से करेंगे, कोहनी ऊपर आ जाएगी, पांच गिनेंगे, वहां तक होल्ड रखेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे करेंगे। अपना आसन है वो है बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन में जो पहले भी बता चुकी हूँ, अपने वीडियोस वही, अपने जो पोज हैं वो वही होंगे, लेकिन इसके अंदर अपने को ये करना, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, कौन कौन से पोज हैं वो इस टाइम पे करने से अपना अच्छा रहता है, शरीर को मजबूत बनाता है और लेबर पेन के लिए अच्छा रहता है, और आपकी स्वेलिंग और जो बॉडी में क्रम्पिंग होती है उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए अपन बद्ध कोणासन में बैठ के इस तरीके से और लंबी लंबी सांस लेंगे 5 बार। इसके पश्चात बद्ध कोणासन से ही अपन आएंगे पारिव्रत जानु आसन। पारिव्रत जानु शीर्षासन में आएंगे, पहले
पैर को यूं रखेंगे, अगर आपके पास में आ सकता है और तो आप पास में करेंगे, नहीं आ सकता तो आप थोड़ा इसको खोल भी सकते हैं। फिर इस तरीके से आपको हाथ को यूं लेना है और इसको हाथ को यूं करना है, सांस भरते हुए ऊपर करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे, हाथ को भी यूं नहीं करेंगे, जितना आपका हाथ ऊपर आता है उतना ही करेंगे, सांस भरें। हाथ को देखें, 5 मिनट वहां तक रोकें, सांस छोड़ें, हाथ नीचे करें, ऐसा आपको 3-3 या 5-5 बार करना है। फिर इसी साइड से आपको करना है, हाथ को यूं रखें साइड स्ट्रेचिंग के और फिर यूं करें, 5 गिने वहां तक हाथ को होल्ड करें, सांस छोड़ते हुए नीचे करें, इतना आप इतना यहाँ तक आपका हाथ आता है, यहाँ तक कीजिए, यहाँ तक आता है यहाँ तक कीजिए, ऊपर वाला हाथ भी जितना कंफर्टेबली आपका आता है उतना ही करने में, सांस भरेंगे, हाथ को देखेंगे, 5 गिनेंगे वहाँ तक रोकेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। फिर जो अपना पैर के ऊपर हाथ है उसको इधर करेंगे, साइड स्ट्रेचिंग करेंगे इस तरीके से, ऐसे ही हाथ को ऊपर करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। अब जो अपना आसन है वो है चक्की चलानासन। चक्की चलानासन, ये जो आसन है ये बहुत ही अच्छे हैं आपके स्पाइन के लिए और जो ये पेल्विक एरिया है उसको मजबूत बनाता है। इसमें आपको हिप बोन पे बैठना है। इसके अंदर क्या होता है कि नॉर्मल तो अपन क्या करते हैं कि इस अंगूठे से आगे तक अपना हाथ इस तरीके से चक्की चलाते हैं तब जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, आपका टम्मी रहता है तो कोर पे थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है, जोर पड़ता है, प्रेशर रहता है, तो इसकी वजह से अपन जितना कंफर्टेबली जा सकते हैं उतना ही जाएंगे। 5 बार आपको क्लॉकवाइज लेना है, 5 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज लेना है। मैं आपको 1 या 2 बार करके ही बताऊंगी, लेकिन आपको 5-5 बार करने हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। इसके सांस भरते हुए आगे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे आएंगे। सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें, यह आपको मैंने 3 बार करके बताया, आपको 5 बार करना है। अब दूसरी साइड से करेंगे, सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें। इसी से अपन आएंगे वज्रासन में। धीरे धीरे आपको पैरों को जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आपको आना है। इस तरीके से बैठेंगे, इस तरीके से, फिर आपको हाथों का सहारा लेना है और अपने टोज को यूं करना है, इसके बीच में आपको यूं करना है। हालांकि ये पोज सुखासन में बैठ के होता है, लेकिन बद्ध कोणासन या सुखासन में बैठ के होता है, लेकिन अपन क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई कर रखा है, मॉडिफाई करेंगे प्रेगनेंसी के टाइम में, उस टाइम पे इस तरीके से बैठ के अपन फिर पैरों को एक दूसरे के पैर के ऊपर लेकर के अपन कर नहीं सकते, इसलिए अपन इस तरीके से करेंगे। आपको क्या करना है, सांस भरते हुए आपको लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ लेके जाना है, राइट हैंड इस साइड से पीछे की तरफ लेके जाना है, फिंगर्स को यू इंटरलॉक कर सकते हैं तो करिए, नहीं करें तो आपके जितना आपका हाथ आता है उतना आप कर सकते हैं। सांस भरते हुए इस हाथ को लें, सांस छोड़ते हुए इस हाथ को लें, 5 गिने वहां तक आपको होल्ड करना है। अगर अंगुलियां टच होती हैं तो टच करें, नहीं भी होती हैं तो नहीं करें, और स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसमें आपकी चेस्ट है वो बिल्कुल बाहर निकली होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए। इस तरीके से हाथ को लें। दूसरा हाथ अपन क्या करेंगे, लेफ्ट इधर से लेंगे, राइट को ऊपर से लेंगे,
इस तरीके से, यह आपका बैक और कंधे का स्ट्रेचिंग होता है। सांस भरें धीरे धीरे, 5 गिने, वहां तक होल्ड रखें और फिर ऐसे छोड़ दें। अब इसी आसन से अपन क्या करेंगे, टेबल टॉक्स में आएंगे। टेबल टॉक में आने के बाद में इस तरीके से, ये बहुत ही अच्छा आसन है 7वें 8वें 9वें महीने के लिए। इस तरीके से आए, फिर कैट काउ पोज करते थे उसी तरीके से करना। आपको सांस भरते हुए गर्दन ऊपर करनी है, सांस छोड़ते हुए नीचे करनी है। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर इसी आसन से आपको ये 5 बार करना है, नहीं कर पाते हैं 3 बार कीजिए। इसी आसन से आपको इस पैर का, जो दूसरा पैर है इसको देख लीजिए आप, इस पैर को आपको यूं करना है, अंगूठे को टिकाना है और एक पैर को आपको सीधा करना है इस तरीके से। सीधा रखें और गर्दन अपनी सीधी रखें। सांस भरते हुए पैर को ऊपर करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इसी तरीके से दूसरे पैर को करेंगे, इस तरीके से करेंगे पैर को, तो टोज को टिकाएंगे, टो को दूसरे पैर को सांस भरते हुए सीधा करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। इसी तरीके से फिर अपन बैठेंगे बालासन में। बालासन में आपको क्या करना है, थोड़े से पैरों को यूं करना है, फिर इस तरीके से लेके इस तरीके से बैठना है। आप टम्मी की वजह से जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें। थोड़ा सा हिप को उठा लीजिए, थोड़ा नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, धीरे धीरे आराम से 5 काउंट करें, वहां तक होल्ड करें, फिर धीरे धीरे यूं हाथों को लेते हुए वापिस आए। फिर इसी से अपन क्या करेंगे, बालासन करेंगे। ये जो पोज है, चक्की चलासन, बालासन और मालासन और ये टेबल टॉक्स, ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए, इस 7वीं 8वीं 9वें महीने की प्रेगनेंसी के लिए सबसे अच्छे पोज हैं। इनको अगर आपके किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, डॉक्टर ने अलाउ कर दिया है या आपकी बॉडी भी परमिशन दे रही है, तो आप रोज करें इसको। बालासन में आएंगे इस तरीके से। अगर आप सपोर्ट से बैठ सकते हैं तो सपोर्ट से बैठें, नहीं तो आप बिना सपोर्ट के बैठ सकते हैं तो बिना सपोर्ट के भी बैठ सकते हैं। इस तरीके से करेंगे आप, पैरों को ऐसे खोलेंगे, पैरों को अपनी कॉनियों से धक्का देंगे और नमस्ते पोज बनाएंगे। 5 गिने वहां तक करें, नॉर्मल ब्रीदिंग करें, स्पाइन को सीधा रखने की कोशिश करें, गर्दन को फिर इसी तरीके से धीरे धीरे आप हाथ टिकाते हुए यूं आए, फिर इस तरीके से आ गए, सुखासन में बैठ जाएं। आज का सेशन अपन ओम चेंटिंग के साथ में, ओम जाप करेंगे, लास्ट में नमस्ते पोज बनाएंगे, 3 बार ओम का जाप करेंगे। सांस भरें, एक लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें, हथेलियों को रब करते हुए इस तरीके से अपने बॉडी पे
तो आज का सेशन अपना यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर मिलेंगे, फिर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।